please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नोएडा ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने कोहराम मचा रखा है, जिससे घर का सपना देखने वाले लोग बेहद परेशान हैं। जहां बड़े बिल्डरों ने लोगों को सड़क पर लाखड़ा कर दिया, वहीं अर्थ इंफ्रा ने धरती को बचाने के नाम पर लोगों को ठेंगा दिखाया। ये तस्वीरें नोएडा एक्सटेंशन में स्थित अर्थ के टाउनी प्रोजेक्ट की हैं, जहां ग्रीनरी को बढ़ावा देने की बात कहने वाले अर्थ बिल्डर ने प्रोजेक्ट की जमीन को खंडहर बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया, आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। नोएडा में भी कई ताजमहल बनने को हैं, वो 22 साल में पूरे हो गए थे। यहाँ 4 से 5 साल का वक्त बीत चुका है, मगर नोएडा के ताजमहल अब भी अधूरे पड़े हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त अर्थ इंफ्रा की बिल्डिंग में, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स 2010 में बनने शुरू हुए, 2014 में डिलीवरी देने की बात कही गई, मगर 3 साल बीत चुके हैं। सपनों के आशियाने का हाल आप खुद देख सकते हैं। कई बायर्स हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे उनकी समस्या, पूरा हाल उनके प्रोजेक्ट्स का, कितना पैसा उन्होंने दिया और उनकी उम्मीदों के साथ कितना खिलवाड़ किया गया। अर्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कई सारे बायर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे समस्याएं उनकी। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम संकल्प है जी। और देखिए सर, हमारा प्रोजेक्ट इसमें भी हमने बुक किया हुआ है, एंड मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। इनिशियली यहाँ पे जो लैंड सेंक्शन हुई थी, उसके हिसाब से 34 टावर पास हुए थे, और 34 टावर में आज 6 साल के बाद में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल में 6 टावर्स हैं, और कहा जा रहा है कि यहाँ 12 टावर्स हैं, लेकिन बाकी के जो 6 टावर हैं उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, मतलब वो कुछ भी नहीं हुआ हुआ है उसमें। एंड कहा बहुत कुछ गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर अगर आप देखें तो ये पीछे की तरफ हमारे पूरा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, नॉन टावर एरिया, कंस्ट्रक्टेड नहीं है अभी तक। एंड जो क्लब हाउस, कितना पैसा दिया था आपने इसमें? सर करीबन 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, एंड जो चीज़ हमने सोची थी वो चीज़ नहीं कहीं भी नज़र आ रही है। एंड ये मेन एक एस्पेक्ट है इसका कमर्शियल का, जिसमें कि 2 फ्लोर कमर्शियल इनको देने थे, जो कि अभी आप देख रहे हैं पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। इसके अलावा क्लब हाउस है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो कुछ भी चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ पर जाके इसका सलूशन मिलेगा। कोई भी चीज़, अभी हम इस जंक्चर पे बायर्स खड़े हैं कि शायद ही इसमें तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसफ़र है, अथॉरिटी से सर्टिफिकेट्स हैं, कमेंसमेंट, जो जैसे कि बिल्डिंग कमेंस होती है तो उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है अथॉरिटी से। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कैसे इन चीज़ों को पास किया गया और कैसे इन चीज़ों को अप्रूवल दिया गया। मैंने यहाँ पे एक टाउनी में और सफायर कोर्ट उसमें किया था। कब बुक किया था सर आपने? 2010 में, दोनों एक साथ करे थे मैंने। आइडिया वॉज दैट कि टाउनी तैयार हो जाएगा तो उसका रेंटल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उससे हम लोग ऑफिस भी लिया था, एंड कि ऑफिस स्पेस में वी कैन स्टार्ट समथिंग ओवर देयर ऑफ आर ओन। पर दिस वॉज अ बेसिक आइडिया कि आफ्टर रिटायरमेंट आई कैन डू समथिंग, बट इट हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। जिनके यहाँ पे आज देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। साल हो गए सर डिलीवरी नहीं हुई, अब तक कितने चक्कर आप लगा चुके हैं सीज में होने के बाद? सर मैं एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स चक्कर लगाता हूँ। आई हैव बीन डूइंग इट। इफ मैं नहीं आ पा रहा था तो मेरे बेटे थे, वो दोनों आते रहते थे। 19 एकड़ में बन रहे अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट की बुकिंग 2010 में शुरू हुई थी, जिसमें बिल्डर ने 2014 में पजेशन देने का वादा किया था। 19 एकड़ में 34 टावर के इस प्रोजेक्ट में 7 साल में अब तक सिर्फ 12 टावर ही बन पाए हैं, और इनका भी कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। जब एक बिल्डर एक बिल्डिंग का निर्माण करता है तो उसके साथ पार्किंग, स्विमिंग पूल, क्लब, तमाम सपने दिखाता है, मगर आप साफ देख सकते हैं वो सपने ही नहीं डूबे, उनके पैसे, उनकी उम्मीदें, उनका वक्त, सब कुछ डूब गया। मेरा प्रोजेक्ट टेक वन में है, मैंने 2013 में बुक किया था, और अभी तक वहाँ पर सिर्फ बेसमेंट की खुदाई और कुछ पिलर खड़े हैं, उसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं है। करीब हम 3 साल से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो अभी ये भी उम्मीद छोड़ दी है कि आगे कुछ होने वाला है, और बिल्डर के सारे ऑफिसेज बंद हैं। बिल्डर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो
कुछ आगे कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लेके बताया कि हम क्या करने वाले हैं। समस्याएं तो बहुत सारी है सर। जो आदमी घर के लिए जो है पैसा लगा रहा है 50 लाख, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किराए पे बैठा हुआ है, और उसकी जो है एक ऐसी इनकम है जो वो पेंशन से अर्जित करके या सारी लाइफ लॉन्ग जो है उसको जोड़ के लगाता है, और जब वो उसको लगाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो आप देखिए वो डिप्रेशन में चला जाता है। इंडिया इज़ ए डिप्रेस नेशन, और ये लोग जो है सारे के सारे और डिप्रेस लोगों को जो है पैदा करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और सबके लिए थोड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए। अर्थ सफायर की इस इमारत में 2015 के बाद से काम रुका हुआ है, आज 2 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। लोग परेशान हैं जिन्होंने यहाँ पे 50-60 लाख रुपए देकर अपना कमर्शियल स्पेस बुक किया है। एक सज्जन है हमारे साथ, हमसे जानते हैं सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ एचके मेहता। वी हैड मेड अ बुकिंग अबाउट 2012 इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, एंड दीज पीपल हैड ए मेजर फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिकॉज इट वॉज अ कमर्शियल बिल्डिंग, एंड सेइंग दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर दिस कमर्शियल बिल्डिंग इन 2015, एंड दे स्टार्टेड this project with a in a big way, and at that time 2012 to 2014 there was a good progress on the tower, and you can see the condition of the tower that they are mostly skeleton is already ready, but after that from 2015 they stopped slowly this constructions, and because they had taken already collected more than 95% to 100% payment from the people, and after that they are absconded completely, and today's the situation is that there is no one to look after this building, and God knows and when they will be delivered this particular project, because this is more is a commercial kind of a complex where people wanted to start their business after the retirement. Logon ka kehna hai ki builder ne apne project ko dusron se behtar batakar 20% zyada paisa vasoola aur wo 90% rakam builder ko bhi de chuke hain, lekin iske bawajood bhi unhe ghar nahi mil pa raha. Ab aise mein wo jaye to jaye kahan, kare to kare kya? Apne adhure pade aashiyane ko dekhne ke liye रोज़ लोग साइट पर आते हैं, रोज़ लोग देखते हैं कि उनका घर कितना बना या उनका घर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि अब यही उम्मीद रह गई है कि शायद घर बन जाए या फिर उनके पैसे उनको वापस हो जाएं। रियल्टी मीडिया के लिए उत्कर्ष अवस्थी।